दुधपुरा पंचायत भवन में ना शौचालय ना ही चापाकल, जिससे लोगों को हो रही परेशानी। बिहार सरकार जहां पूरे बिहार में घर घर में शौचालय निर्माण करवाने एवं जल नल के पानी मुहैया करवाने का काम किया है, साफ सफाई पर जोर दे रही है, वहीं समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड के अंतर्गत दुधपुरा पंचायत भवन में आज तक ना ही शौचालय का निर्माण किया गया और ना ही चापाकल गाड़ी गई और गंदगी भी भरी हुई है। जबकि उक्त कार्यालय में जब मीटिंग होती है तो कई महिला जनप्रतिनिधि भी बैठक में पहुंचती है। वहीं इस कार्यालय के प्रांगण में दीवार स्थान रहने से कई श्रद्धालु लोग पूजा करने पहुंचते हैं तो उसको भी परेशानी होती है, तथा पंचायत कार्यालय के प्रांगण में ही पुलिस पिकेट सेंटर भी है जहाँ पर पुलिस पदाधिकारी पुलिस बल के साथ रहते हैं। उन लोगों को भी काफ़ी परेशानी झेलना पड़ रहा है। इस संदर्भ में पंचायत के सरपंच रणवीर कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर पुलिस पिकेट सेंटर रहने के कारण स्थानीय लोगों ने शौचालय का निर्माण नहीं करने दे रहा है, क्योंकि लोगों का मनसा है कि यहाँ से पुलिस सेंटर हटाने के बाद ही शौचालय का निर्माण की जाएगी। आप दुधपुरा पंचायत के सरपंच हैं, सरपंच साहब यहाँ आपका कार्यालय चल रहा है, मुखिया जी का भी कार्यालय चल रहा है, न यहाँ शौचालय की व्यवस्था है, जो कि बहुत ऐसा जनप्रतिनिधि जो आपका महिला मेंबर भी होगा, और न शौचालय यहाँ है, ना मान लीजिए यहाँ चापाकल है, फिर कैसे आप लोग यहाँ पर जो है सो व्यतीत कर रहे हैं? जो है सो मुखिया जी का कार्यालय है, पहले से भी था, और जब हमें ज़्यादा कष्ट हुआ तो हम मुखिया जी से रिक्वेस्ट करके, अभी तत्काल मैं भी यहीं पर बैठ करके पंचायत कर रहा हूँ, और यहाँ चापाकल जो है बार बार दो बार कराया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा, और यहाँ शौचालय की बात जब भी आता है तो अपने ही समाज के कुछ ग्रामीण ने बताया, तो देखिए यहाँ पर अगर शौचालय बनता है तो ये दीवार स्थान है, यहाँ पर जो है सो गंदगी और फैल जाएगा, इसलिए कैंप का पहले व्यवस्था कर दिया जाए, उसके बाद जो है सो यहाँ शौचालय का चर्चा होगा। जबकि डिहवार स्थान है फिर भी यहाँ देख रहे हैं जो पूरा मतलब बाथरूम की तरह जो है यहाँ पूरा एकदम पेशाब करके यहाँ गंदगी फैलाया हुआ, कचरा से भरा हुआ है, और इसीलिए पहले अगर ये कैंप को कहीं व्यवस्था कर दिया जाएगा तो क्या है, यहाँ पुलिस कैंप भी चल रहा है? हाँ, ऊपर पे जो है पुलिस कैंप है, तो पुलिस कैंप यहाँ चल रहा है तो लोग उस पर नाराजगी जता रहा है, बहुत ज्यादा नाराजगी है, इसलिए जो यहाँ पर पुलिस कैंप में भी हर कास्ट के लोग आते हैं, यहाँ पर कोई आदमी जैसे दीवार बाबा को नहीं मानते हैं, उस समय क्या होता है जैसे मछली खाए फेंक दिए या कुछ ऐसा चीज खाते हैं फेंक देते हैं, उससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है सो खराब महसूस कर रहा है यहाँ का जनता, इसलिए सभी आदमी का इच्छा यही है जो कि यहाँ से पुलिस कैंप को हटा करके और दूसरे जगह किया जाए, उसके बाद यहाँ पर सभी आदमी के विचार से मनरेगा से हो या जो भी मुखिया जी चाहे यहाँ पर जो है मिट्टी भराई करके और यहाँ पर शौचालय हो। जबकि पुलिस कैंप है उन लोगों को भी काफी परेशानी झेलना पड़ रहा है, परेशानी झेलना पड़ रहा है क्योंकि उनको अगर रात में शौचालय या लेटरिन जाना पड़ता है तो ये भी बार बार हमको भी बोले देखिए यहाँ शौचालय का व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमको जो है सो व्यवस्था ऐसा दिया जाए जहाँ पर शौचालय हो, हम बोले देखिए स्कूल के पास ही कोई व्यवस्था ऐसा है, यहाँ पर दूसरा तो कोई व्यवस्था नहीं है। सरपंच साहब, इसका कारण है कि पुलिस पिकेट रहने के कारण विकास अवरुद्ध है यहाँ पर जी,